Assalamualaikum class how are you all students our reading of for unit number one work and energy is continue and we have completed our reading up to page number six let's start today's topic students in our previous lecture we have discussed potential energy potential energy is a kind of energy जिसकी हमने फोर डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था लेट स्टार्ट एनदर काइंड ऑफ एनर्जी टुडेज टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी गर्ल्स स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी

ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट उसकी हरकत या मूवमेंट की वजह से जी ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी तमाम मूविंग थिंग्स की काइनेटिक एनर्जी होती है जी दिस इज़ वाई इट इज़ समथिंग रेफर्ड टू एज़ मूवमेंट एनर्जी ठीक है जी इसी वजह से इसको मूवमेंट uh, एनर्जी भी कहा जाता है ऑल्दो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की काफ़ी टाइप्स है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स लेकिन इसका ताल्लुक ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट से है जी द कानेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन बोथ इट्स मैस एंड इट्स विलासिटी यानी कानेटिक एनर्जी बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की दोनों चीज़ों से कंसर्न है मैस से भी और विलासिटी यानी स्पीड इससे दोनों से इसका ताल्लुक़ है फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कानेटिक एनर्जी जैसे कि एक एरोप्लेन आप देखते हैं कि उसकी कानेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है वैन इट इज़ फ्लाइंग क्योंकि वो उड़ रहा होता है जब ठीक है जी बिकॉज ऑफ़ इट्स लार्ज मैस एंड हाई वेलोसिटी क्योंकि उसकी उस टाइम वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी मैसिव भी है बड़ा होता है साइज में काफ़ी लार्जर होता है इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है ऑन द अदर हैंड अ फ्लाइंग इंसेक्ट हैज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इसी तरह अगर एक इंसेक्ट को देखें वो भी फ्लाई कर रहा होता है एक्चुअली लेकिन उसकी जो कैनिटिक एनर्जी है वो बहुत थोड़ी मकदार में होती है स्मॉल अमाउंट में होती है बिकॉज़ इट्स मैस एंड वेलोसिटी आर रिलेटिवली स्मॉल क्योंकि उसकी मैस और वेलोसिटी जो है वो कम होती है मकदार में ठीक है जी नेक्स्ट देखिए बेटा अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड हैज़ अ कैनेटिक एनर्जी कार जैसे कि आपके सामने बनी हुई है अगर एक रोड पे एक ट्रैवल कर रही है तो उसमें भी ऑब्वियसली कैनेटिक एनर्जी है सो डज अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड अगर उसी स्पीड से एक ट्रक भी ट्रैवल कर रहा है उसकी भी कैने उसमें भी होगी हावर मोर कानेटिक एनर्जी लेकिन स्पीड के बावजूद सेम वेलोसिटी के बावजूद ट्रक की जो कानेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी दैन द कार बिकॉज इट्स मैसर क्योंकि जो मैस है, है ट्रक का और जो आ, वो कम है इस वजह काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रक की ज्यादा जी नेक्स्ट ये जी स्टूडेंट डबलिंग ऑफ़ अ मूविंग अगर एक मूवमेंट करते हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट की डबल कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी फोन तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी गुना बढ़ जाती है दिस इज वाइटिंग ऑब्जेक्ट कार्सिंग ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा डैमेज करती हैं। उसकी डबल कर देंगे का, कार कार्वेल फोर टाइम्स स्टॉप तो उनको जितना स्टॉप करने के लिए ये लगता है फोर टाइम्स चाहिए स्टॉपिंग पर, अगर जो है एक solid wall इन, है, एक सॉलिड वॉल इंसान से मच मोर इफ हाई स्पीड इफ इट वाज गोइंग स्लोली इसी अगर एक गाड़ी जो है की स्पीड रही है तो किसी इंसान से न, वॉल से टकराती है तो डैमेज कम होगा डिपेंड इसके कि अगर वो फुल स्पीड में या तेजी से जा रही है डैमेज बहुत ज्यादा ठीक है जी देखिए डायग्राम में द फास्टर द फास्टर कार कॉज एनर्जी इट हैज एंड मोर हेड कॉजेस जितनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी मूव कर रही है उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इसीलिए उससे डैमेज भी ज्यादा होगा जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए रेडिएटेड एनर्जी रेडिएटेड एनर्जी एनर्जी कैरिड एज मूविंग वेव्स रेडिएटेड एनर्जी रेडिएशन वर्ड निकला है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक से ये कंसर्न ठीक है जी वेव्स कैरी थ्रू स्पेस इन एनर्जी है इसमें मौजूद है रेडिएट जैसे सन जो है रेडिएशन जो है वो फॉर्म में होती है ट्रांसल रेड वेव्स या आल्सो कॉल्ड एरियल्स टेलीकम्युनिकेशन आपने देखा इस तरह के कम्युनिकेशन के जिनाज़ हैं वो भी वेव्स जो है वो कहते हैं लाइट एंड वेव्स बोथ एज इलेक्ट्रिक वेव्स दोनों जो है लाइट रेज और वो वो दोनों की दोनों की जो जो हैं वो उले, जो हैं बेटा करती हैं वेड़ वेड़ और ये वो कैरी करती हैं एनर्जी जो है वो मौजूद होती है ठीक है जी ये आप आए गए हैं दिस टेलिस्कोप मिनल्स फ्रॉम आउट स्पेस डियर स्टूडेंट्स एनर्जी इज साउंड एनर्जी एंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गेटेड विद द वाइब्रेशन स्टूडेंट्स साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है तालुक वाइब्रेशन से है स्टूडेंट्स मीन थर् या किसी चीज का वेट करना साउंड्स आर फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट करता है ठीक है जी उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल मींस, लॉन्गिटूडनल वेव कंप्रेशन और रेयर की फॉर्म में ठीक है जी इसमें कैसे ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसलिए हम इसको लॉन्गिटूडनल वेव्स कहते हैं एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड वेव्स आपको पता है किसी भी बॉडी में अगर वाइब्रेशंस हो तो उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जस्ट लाइक ड्रम यू कैन सी के ड्रम में वाइब्रेट होती है उसकी स्किन तो उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ठीक है जी नेक्स्ट देखिए थर्मल एनर्जी स्टूडेंट्स थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इज ड्यू टू फास्ट मूवमिंग फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन द हॉट ऑब्जेक्ट्स हीटिंग ऑब्जेक्ट्स जिन ए, का टेंपरेचर ज्यादा उसमें उनके पार्टिकल्स की फास्ट मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वेन ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन जब एक ऑब्जेक्ट बेटा ठंडा हो जाता है इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग्स तो उसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और कम हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है ठीक है जी नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एक्टर्जी हमारे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से इसका कंसर्न है हम डेली लाइफ में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस यूज करते हैं किस तरह उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है लेट्स रीड इट आउट इन अलेक्ट्रिकल करंट इज़ द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली करंट क्या है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्राम अ बैटरी और द मेन टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस सचैज लाइट बल्ब लाइट बल्ब तक आ, जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से बैटरी से या मेन लाइन से करंट ट्रांसफर होता है ठीक है नेक्स्ट गुड कंडक्टर्स लाइक अर कैन इजिली ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिस द प्लास्टिक शीत अराउंड वायर्स के नॉट इट इज एन इंसोलेटर आपको पता है कि प्लास्टिक शीट जो है वो इंसोलेटर होती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती जबकि गुड कंडक्टर्स जैसे दिखाया गया है कॉपर वायर है जैसे आपके दिखाए हुए हैं इसमें है, इस से इलेक्ट्रिकल uh, अपन होता ठीक है जी नेक्स्टेंट्स एनर्जी फोन एंड टू यस टू योर फेवरेट जब आप फेवरेट को सुनते तो जी हमारे हेडफोन्स के जरिए से हमारे ईयर्स तक ट्रांसफर होती है और इस तरह से हम सुनते हैं देखिए इफ कोल्ड मिल्क एडेड टू दिस हॉट टी अगर इस टाइम में आप दूध डालते फ्रेंड्स द इज थर्मल एनर्जी एंड गेट्स कूलर इससे जो है थर्मल एनर्जी इसकी लूज होती है और ये ठंडी हो जाती है द मिल गेंस द थर्मल एनर्जी एंड गेट्स वार्मर और मिल्क जो है वो टी में से थर्मल एनर्जी ले लेता है और ख़ुद कुछ थोड़ा सा उसका टेम्परेचर वार्म हो जाता है ठीक है जी ये डिड यू नो वायरलेस इंटरनेट रूटर एंडियो सॉरी रेडियो